जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, 7 लाल मिर्च के दाने लेकर ये महा उपाय आपको कर लेना है और आपकी वर्षों पुरानी अगर कोई भी मनोकामना है तो वो पूर्ण रूप से पूरी हो जाएगी। अगर आप सब जगह से माथा टेक टेक कर थक चुके हैं, हार मान चुके हैं, हर जगह प्रार्थना तंत्र मंत्र का सहारा ले चुके हैं, फिर भी आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। बागेश्वर धाम की कृपा पाकर आप अपने सभी प्रकार के दुखों को अंत कर सकते हैं। बस आप अब भटकना बंद कर दीजिए और पैसे खर्च करना तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। घर में ही करें 7 लाल मिर्च से अचूक उपाय, 101% आपका काम पूर्ण होना तय है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कैसे करना है, क्या क्या करना है, ध्यान से वीडियो को देखते हुए चलिएगा। एक एक बात को ध्यान से गौर से सुनिए या फिर आप कहीं पर लिख भी सकते हैं। गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वीडियो को पूरा देखने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बागेश्वर धाम की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री बागेश्वर धाम जरूर लिखिएगा। आपकी कैसी भी कोई भी इच्छा हो दोस्तों, कोई उपाय, पूजा पाठ अगर आप करके थक गए हैं, मन में पूर्ण विश्वास के साथ एक बार इस उपाय को आप कर लीजिए। कोई भी उपाय आपका विफल नहीं होगा जब मन में पूर्ण रूप से विश्वास हो। तो दोस्त, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको उपाय में करना क्या है। इस उपाय में मनोकामना तो पूर्ण होगी ही, साथ ही नौकरी से जुड़ी जो भी रुकावटें हैं, व्यापार से जुड़ी अगर कोई समस्या है, घर में लड़ाई झगड़े, कर्ज से जुड़ी हुई कोई समस्या है, तो उसका भी समाधान हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से देखते हुए चलिएगा। दोस्तों, इस उपाय के लिए 7 लाल मिर्च के दाने आपको लेने हैं और लाल मिर्च का जो बीज होता है उसी के 7 दाने आप लें। फिर आपको लेना होगा एक लाल फूल। लाल फूल आप कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। गुलाब का या कमल का या कोई भी अन्य फूल, अगर आप गुलर का लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। आप बस कोशिश करें कि वैसे तो आपकी जो भी गुड़हल का फूल होता है वो मिल जाए तो और भी ज़्यादा उत्तम ही होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें गुण विराजमान होते हैं पहले से ही, जो माँ लक्ष्मी को अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। फिर इसके साथ ही आपको लेना होगा तांबे का एक लोटा। ध्यान से सुनिएगा, चीज़ों को बिल्कुल भी एक भी चीज़ में गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तांबे का लोटा साथ में आप ले लें, पात्र ले लें कोई भी। और उसके बाद आपको क्या करना है, 7 दाने जो आपने लाल मिर्च के लिए हैं और एक लाल पुष्प, उसके साथ ही साफ स्वच्छ जल, गंगा जल मिले तो अति उत्तम होगा और ना मिले तो सादा जल का प्रयोग करें। और उपाय में क्या करना है आपको, रविवार के दिन, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुने, रविवार के दिन इस उपाय को आपको करना है। किसी भी रविवार को इसको प्रारंभ कर सकते हैं, यानी कि लगातार 7 रविवार इस प्रयोग को आपको करना है। परंतु इसका एक नियम है, रविवार के दिन आपको सुबह सुबह स्नान करके इसी लोटे के जल से आपको सूर्य देव को अर्घ देना है। जब सूर्य अपनी लालिमा और किरणों में जो है घिरे हुए रहते हैं, उसी समय आपको अर्घ देना है। और दोपहर में तो बिल्कुल भी इस काम को मत कीजिएगा, दोपहर में करेंगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। अर्घ देते समय जल की जो छींटे गिरते हैं वो पैरों पर ना गिरें। जल देते समय जल की धार में से आप सूर्य देव को दर्शन करें। उनके दर्शन करते हुए आपको एक मंत्र बोलना है, सूर्याय नमः। दोबारा से आप इस मंत्र को कहीं भी नोट कर लीजिए, ओम सूर्याय नमः। फिर मन ही मन आप अपनी इच्छा को 3 बार आपको बोलना होगा। जी हाँ दोस्तों, 3 बार अपनी कोई भी इच्छा जो भी है उसे बोलें। लगातार 7 रविवार आप इस उपाय को करें। कोई भी महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। पहले दिन करने के बाद ही आपकी इच्छा पूर्ण होने के संकेत आप स्वयं देखेंगे। आप खुद चौंक जाएंगे कि इतने आसान उपाय से कैसे आपकी इच्छा पूर्ण हो रही है। बिना 1 रुपया खर्चा किए आपको लाखों की जो है आमदनी होना शुरू हो जाएगी। अगर कर्ज में डूबे हैं तो कर्ज में आपको पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाएगी। अगर कोई बच्चा इस उपाय को करता है तो पहले रविवार से ही वो स्वयं अपने जो पढ़ाई में उसको दिखेगा कि कैसे उसके अंदर बदलाव आ रहे हैं।
प्रैक्टिकल खुद करके देखें दोस्तों, प्रैक्टिकल करने मात्र से ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आ रही है, तो पूरी तरह से समझ में आ चुकी है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने फेसबुक में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर किसी को लाभ की प्राप्ति हो सके। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। रिपीट करके अगर आप देख लीजिए, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो वीडियो को फिर से रिपीट करके अभी आप देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अगर आपकी और कोई समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखें, और अगर कोई समस्या नहीं है तो आप जय श्री बागेश्वर धाम तो जरूर लिख दीजिएगा, ताकि सबसे पहली कृपा आप पर पड़ सके। मिलती हूं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।